Everyone, welcome back to Minds Mind Tutorials. Our today's topic is animal tissues, and today is a day 11 of our NEET series which is going on our channel. So without a further ado, let's get started. The first question here is, histamine secreting cells are found in, jo histamine secreting cells hote hai, wo kis mein paaye jaate hai? Connective tissue mein, muscular tissue mein, lungs mein ya phir nervous tissue mein? Sahi answer yahan par hoga connective tissue mein, kyunki हिस्टामिन जो होता है एक तरह का कह सकते हैं वैसोडायलेटर होता है जो एलर्जिक रिएक्शंस और इन्फ्लामेटरी रिएक्शंस के अंदर इन्वॉल्व होता है। ये मास्ट सेल्स के थ्रू सिक्रीट होता है जो कि एक तरह के मॉडिफाइड बेसोफिल्स होते हैं ब्लड के, और ये जहाँ प्रेजेंट होता है वो एरियोलर टिश्यू होता है, और एरियोलर टिश्यू जो होता है एक तरह का लूज कनेक्टिव टिश्यू होता है। तो सही आंसर होगा ए ऑप्शन, कनेक्टिव टिश्यू। सेकंड क्वेश्चन है, हेवर्शियन कैनाल अकर्स इन, जो हेवर्शियन कैनाल होती है वो किस में प्रेजेंट होती है? ह्यूमरस में, स्कैपुला में, प्यूबिस में, क्लेवाइकल में? सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा ए ऑप्शन, ह्यूमरस के अंदर, क्योंकि ह्यूमरस एक तरह की बोन होती है और बोन्स के अंदर हेवर्शियन कैनाल प्रेजेंट होती है। हेवर्शियन कैनाल का जिस साइंटिस्ट के ऊपर नाम रखा गया था उनका नाम था क्लॉप्टन हेवर्स। तो जो साइंटिस्ट है उनका नाम हम यहाँ पर नोट करेंगे, क्लॉप्टन हेवर्स। अब क्लॉप्टन हेवर्स के नाम पर इसका नाम तो रखा गया था, लेकिन एक ज़रूरी बात और होती है हेवर्शियन कैनाल की, कि अगर स्पॉन्जी बोन्स की बात की जाए मैमल्स की, तो उनके अंदर हेवर्शियन कैनाल जो होती है वो एब्सेंट होती है। तो अगर उस पर भी क्वेश्चन बने तो हमें क्लियर होना चाहिए। थर्ड क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, मिनरल फाउंड इन रेड पिगमेंट ऑफ वर्टिब्रेट ब्लड इज, जो रेड पिगमेंट के अंदर मिनरल होगा वो कौन सा होगा? मैग्नीशियम, कैल्शियम, आयरन या फिर कॉपर? सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा बी ऑप्शन, आयरन, क्योंकि हीमोग्लोबिन में जो सेंटर पे मिनरल प्रेजेंट होता है वो आयरन होता है। अगर आपको सारे रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स की जो कंसेप्ट अगर उनको क्लियर करना है तो हमारे चैनल पे इसकी अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है, रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स इन डिफरेंट फाइलोजेनेटिक ग्रुप्स के नाम से, तो वो अगर आप देखेंगे तो उससे सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। अगर दूसरे पिगमेंट्स पर भी क्वेश्चन बनेगा तो हम उसको ईजिली सॉल्व कर पाएंगे। फोर्थ क्वेश्चन चेक करेंगे, फोर्थ क्वेश्चन का स्टेटमेंट है, लिम्फ डिफर फ्रॉम ब्लड इन पजेसिंग, लिम्फ ब्लड से कैसे डिफरेंट होता है? ओनली WBC, मोर RBC एंड WBC, मोर RBC एंड फ्यू WBC, मोर WBC एंड फ्यू RBC? सही आंसर होगा ए ऑप्शन, ओनली WBC, क्योंकि सिर्फ WBC ही प्रेजेंट हो सकता है लिम्फ में। अगर ब्लड में से हम RBCs को माइनस कर दें तो जो चीज़ प्रेजेंट होगी वो WBC होगी। अगर उस चीज़ में अगर ब्लड के अंदर से ऐसा बना दिया जाए तो उसी को लिम्फ का नाम दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, फिफ्थ क्वेश्चन का स्टेटमेंट है, कैरेक्टर्स ऑफ स्मूथ मसल फाइबर्स आर, जो कैरेक्टर्स होते हैं स्मूथ मसल फाइबर्स के वो क्या हो सकते हैं? स्पिंडल शेप्ड, अनब्रांच्ड, अनस्ट्राइटेड, यूनिन्यूक्लिएट, इनवॉलेंट्री? स्पिंडल शेप, अनब्रांच्ड, अनस्ट्राइप्ड, मल्टीन्यूक्लिएट, इनवॉलेंट्री, या फिर सिलेंड्रिकल, अनब्रांच्ड, अनस्ट्राइप्ड, मल्टीन्यूक्लिएट और इनवॉलेंट्री, या फिर सिलेंड्रिकल, अनब्रांच्ड, अनस्ट्राइटेड, मल्टीन्यूक्लिएट एंड वॉलेंट्री? सही आंसर यहाँ पर होगा ए ऑप्शन, स्पिंडल शेप, अनब्रांच्ड, अनस्ट्राइटेड और यूनिन्यूक्लिएट इनवॉलेंट्री इसके अंदर इन्वॉल्व हो गए। और जो स्मूथ मसल फाइबर्स होते हैं एक तरह के इनवॉलेंट्री मसल्स होती है जो कि कंट्रोल होती है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के थ्रू, इनको विसरल मसल्स भी कहा जाता है। तो अगर इस तरह से क्वेश्चन आए तो हम सॉल्व कर सकते हैं। सिक्स क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन की यहाँ पर स्टेटमेंट है, कंपोनेंट ऑफ ब्लड रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडीज इज, जो कंपोनेंट होता है ब्लड का जो रिस्पॉन्सिबल होता है एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करने के लिए वो क्या होगा? थ्रोम्बोसाइट्स, एरिथ्रोसाइट्स, मोनोसाइट्स या फिर लिम्फोसाइट्स? सही आंसर यहां पर होगा डी ऑप्शन, लिम्फोसाइट्स, क्योंकि लिम्फोसाइट्स जो होते हैं ब्लड में 20-25% होते हैं, ये सेकंड मोस्ट अबंडेंट ल्यूकोसाइट्स होते हैं और ये प्रोटेक्ट करते हैं हमें पैथोजन से और इन्वॉल्व्ड होते हैं इन द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज। सेवंथ क्वेश्चन है, विटामिन के इज रिक्वायर्ड फॉर, जो विटामिन के होता है उसकी जरूरत क्यों होती है? फॉर्मेशन ऑफ थ्रोम्बोप्लास्टिन, कन्वर्जन ऑफ फाइब्रिनोजन इंटू फाइब्रिन, कन्वर्जन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन इंटू थ्रोम्बिन या फिर सिंथेसिस ऑफ प्रोथ्रोम्बिन? सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा डी ऑप्शन, सिंथेसिस ऑफ प्रोथ्रोम्बिन। इसका अगर हम रीज़न देखें विटामिन के क्यों रिक्वायर्ड होता है, आंसर था हमारा सिंथेसिस ऑफ प्रोथ्रोम्बिन, क्योंकि जो विटामिन के होता है वो सिंथेसिस जब करता है प्रोथ्रोम्बिन का, तो प्रोथ्रोम्बिन जो होता है ब्लड क्लॉटिंग जो होती है उसके लिए बहुत ज़्यादा नेसेसरी होता है। अगर ब्लड क्लॉटिंग नहीं होगी तो ब्लड जो होगा वो बहता जाएगा, इसीलिए उसकी डेफिशिएंसी की वजह से वो अलग ब्लीडिंग वाली प्रॉब्लम ना हो, इसीलिए यहाँ पर ये ज़रूरी होता है। विटामिन के का जो दूसरा नाम होता है वो फाइलोक्विनोन होता है, हम उसको नोट करेंगे, फाइलोक्विनोन इसका साइंटिफिक नेम हम कह सकते हैं। और जो विटामिन के होता है उसको सिंथेसाइज करने के लिए बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं कोलोन के अंदर। तो यहाँ सही आंसर था डी ऑप्शन, सिंथेसिस ऑफ प्रोथ्रोम्बिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे,
एट क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट है, फॉर्मेशन ऑफ कार्टिलेज बोन्स इन्वॉल्व, जो कार्टिलेज बोन होती है उसके फॉर्मेशन में क्या चीज होती है? डिपोजिशन ऑफ बोनी मैटर बाय ऑस्टियोब्लास्ट एंड रिजॉर्प्शन बाय कॉन्ड्रोक्लास्ट, थोड़ा सा कट हुआ है। सेकेंड ऑप्शन देखेंगे डिपोजिशन ऑफ बोनी मैटर बाय ऑस्टियोक्लास्ट एंड रिजॉर्प्शन बाय कॉन्ड्रोब्लास्ट, या फिर डिपोजिशन ऑफ बोनी मैटर बाय ऑस्टियोक्लास्ट ओनली, या फिर डिपोजिशन ऑफ बोनी मैटर बाय ऑस्टियोब्लास्ट ओनली। सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा डी ऑप्शन, क्योंकि अगर डिपोजिशन नहीं होगा बोनी मैटर का बाय ऑस्टियोब्लास्ट तो फॉर्मेशन ऑफ कार्टिलेज बोन्स नहीं हो सकती। ऑस्टियोब्लास्ट के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन देख लेते हैं। ऑस्टियोब्लास्ट एक तरह के बोन फॉर्मिंग सेल्स होते हैं, वहीं जो ऑस्टियोक्लास्ट होते हैं वो बोन डिस्ट्रॉइंग सेल्स होते हैं, और जो ऑसिफिकेशन प्रोसेस होती है जिसको ऑस्टियोजेनेसिस भी कह सकते हैं, वो प्रोसेस होती है बोन फॉर्मेशन की, और कॉन्ड्रोब्लास्ट जो होते हैं वो कार्टिलेज फॉर्मिंग सेल्स होते हैं। नाइन्थ क्वेश्चन चेक करेंगे, नाइन्थ क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखेंगे। इपिथेलियल टिश्यू विद थिन फ्लैट सेल्स अपियरिंग लाइक पैक्ड टाइल्स अकर्स ऑन, जो इपिथेलियल टिश्यू होते हैं उसमें थिन फ्लैट सेल्स जो कि पैक टाइल्स की तरह अकर करती हैं, वो कहाँ हो सकती है? इनर लाइनिंग ऑफ चीक, इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक, इनर लाइनिंग ऑफ फेलोपियन ट्यूब्स, या फिर इनर लाइनिंग ऑफ ओवरी। सही आंसर यहाँ पर जो होगा वो डी ऑप्शन होगा, इनर लाइनिंग ऑफ ओवरी, क्योंकि उसी के अंदर इपिथेलियल टिश्यूज जो होते हैं वो थिन फ्लैट सेल्स की तरह नजर आते हैं। टेंथ क्वेश्चन देखेंगे, टेंथ क्वेश्चन में स्टेटमेंट है यहाँ पर कि स्ट्रेटम जर्मिनीवेटम इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच काइंड ऑफ इपिथीलियम। स्ट्रेटम जर्मिनीवेटम जो होता है वो एग्जाम्पल होता है किस तरह के इपिथीलियम का? क्यूबॉइडल, कॉलमनार, सीलिएटेड, या फिर स्क्वेमस। सही आंसर यहाँ पर होगा कॉलमनार, क्योंकि स्ट्रेटम जर्मिनेटम जो होता है वो कॉलमनार जो एपिथीलियम होता है उसका एक पार्ट होता है। स्ट्रेटम जर्मिनेटम को स्ट्रेटम मेल्फिगी या फिर स्ट्रेटम सिलेंड्रिकम भी कहा जाता है, जिसमें कॉलमनार सेल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि रेस्ट करते हैं कॉमन बेसमेंट में मेम्ब्रेन के ऊपर। तो सही आंसर यहां पर था सी ऑप्शन। 11th क्वेश्चन देखेंगे, प्रोटीन प्रेजेंट इन द मैट्रिक्स ऑफ कार्टिलेज इज नोन एज, जो प्रोटीन होता है जो मैट्रिक्स ऑफ कार्टिलेज में प्रेजेंट होगा उसको क्या नाम देंगे? कॉन्ड्रिन, कार्टिलेजिन, कैसीन, या फिर ऑसिन। सही आंसर यहाँ पर होगा कॉन्ड्रिन, जैसे उसका नाम बता रहा है कार्टिलेज की बात हो रही है तो कार्टिलेजिन पे हम नहीं जाएंगे, यहाँ पर कॉन्ड्रिन सही आंसर होगा। और जो कार्टिलेज होता है एक तरह का कनेक्टिव टिश्यू होता है जिसमें सेल्स एम्बेडेड होते हैं उसकी मैट्रिक्स में, जिसको हम कॉन्ड्रिन नाम देते हैं प्रोटीन, तो उसके अंदर सेल्स एम्बेडेड होते हैं। कॉन्ड्रिन जो होता है उसके अंदर ऑर्गेनाइज्ड फाइबर मैश प्रेजेंट होता है जिसमें चीफली कोलेजन प्रेजेंट होता है, और एमॉर्फस ग्राउंड सब्सटेंस भी होता है जिसको हम नाम देते हैं कॉन्ड्रोम्यूकोप्रोटीन। तो ये सारी चीजें थी हमने जो इस क्वेश्चन से देखी। 12th क्वेश्चन चेक करेंगे, 12th क्वेश्चन का स्टेटमेंट है यहाँ पर कि बेसमेंट मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ, जो बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है वो किस तरह बनी होती है? एपिडर्मल सेल्स ओनली, एंडोडर्मल सेल्स ओनली, बोथ ए एंड बी, या फिर नो सेल एट ऑल बट इज अ प्रोडक्ट ऑफ इपिथीलियल सेल्स। सही आंसर यहाँ पर होगा डी ऑप्शन, नो सेल एट ऑल बट इज अ प्रोडक्ट ऑफ इपिथीलियल सेल्स, क्योंकि बेसमेंट मेम्ब्रेन इसी तरह बनी होती है। 13th क्वेश्चन को चेक करते हैं, 13th क्वेश्चन में स्टेटमेंट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एक्सक्लूसिवली सप्लाइड विद इनवॉलेंट्री मसल्स, इनमें से ऐसी क्या चीज है जो कि इनवॉलेंट्री मसल से सप्लाइड नहीं होती? मस्क्यूलर कोर्ट्स ऑफ ब्लड वेसल, मसल्स ऑफ डक्ट्स ऑफ ग्लैंड्स, मसल्स ऑफ आयरिस, मसल्स ऑफ यूरेथ्रा। सही आंसर यहाँ पर जो होगा वो होगा बी ऑप्शन, मसल्स ऑफ द डक्ट्स ऑफ ग्लैंड्स, क्योंकि जो स्मूथ मसल्स होती है वो इनवॉलेंट्री मसल्स होती है, और ये पोस्टीरियर पार्ट जो होता है ईसोफेगस का, वहां पर स्टमक में, यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट्स में, ब्लड वेसल्स में, आयरिस ऑफ आई में, और डर्मिस ऑफ स्किन में पाई जाती है। तो सही आंसर यहाँ पर जो था वो बी ऑप्शन था, क्योंकि वहां पर ये पाई नहीं जाती। मसल्स ऑफ डक्ट्स ऑफ ग्लैंड्स जो होती है वहां पर इनवॉलेंट्री मसल्स नहीं हो सकती। सेकंड क्वेश्चन देखेंगे 14th वाला, द फंक्शनल यूनिट ऑफ कॉन्ट्रेक्टाइल सिस्टम इन स्ट्राइटेड मसल इज, जो फंक्शनल यूनिट होती है कॉन्ट्रेक्टाइल सिस्टम की स्ट्राइटेड मसल में वो क्या होती है? मायोफाइब्रिल, जेड लाइंस, सार्कोमियर, और क्रॉस ब्रिजेस। सही आंसर यहाँ पर होगा बी ऑप्शन, सार्कोमियर। एनसीईआरटी पे भी इसमें बहुत ज्यादा फोकस किया गया है कि सार्कोमियर जो होता है वो फंक्शनल यूनिट होता है इस कॉन्ट्रेक्टाइल सिस्टम का, जो कि स्ट्राइटेड मसल का हो सकता है। 15th क्वेश्चन चेक करेंगे, 15th क्वेश्चन में जो स्टेटमेंट है वो कुछ इस तरह है, सिंपल इपिथीलियम इज अ टिश्यू इन विच द सेल्स आर, जो सिंपल इपिथीलियम होती है टिश्यू के अंदर उसके सेल्स कैसे होते हैं? हार्डन्ड एंड प्रोवाइड सपोर्ट टू द ऑर्गन, सीमेंटेड डायरेक्टली टू वन अनादर टू फॉर्म अ सिंगल लेयर, कंटिन्यूअसली डिवाइडिंग टू प्रोवाइड फॉर्म टू एन ऑर्गन, या फिर लूजली कनेक्टेड टू वन अनादर टू फॉर्म एन इरेग्युलर ऑर्गन।
सही आंसर यहाँ पर होगा बी ऑप्शन, सीमेंटेड डायरेक्टली टू वन अनादर टू फॉर्म अ सिंगल लेयर। सिंपल एपिथीलियम में इसी तरह से सेल्स अरेंज रहते, तो वो थोड़ा सा देखा हमने। 16 क्वेश्चन देखेंगे, द पॉलीसेकेराइड प्रेजेंट इन द मैट्रिक्स ऑफ कार्टिलेज इज नोन एज, वो पॉलीसेकेराइड जो मैट्रिक्स ऑफ कार्टिलेज में पाया जाता है उसका नाम क्या होगा, कार्टिलेजिन, कॉन्ड्रियोटिन, ऑसिन, और लास्ट जो डी ऑप्शन है जो दिखाई नहीं दे रहा है अभी, हम उसको लास्ट में देख लेंगे, कैसीन होता है। तो यहाँ इसका सही आंसर क्या होगा, तो इसका सही आंसर होगा सी ऑप्शन, कॉन्ड्रियोटिन। कॉन्ड्रियोटिन ही ऐसा पॉलीसेक्राइड होता है जो कि मैट्रिक्स ऑफ कार्टिलेज में पाया जाता है, और जो चीफ कंपोनेंट होता है, ग्राउंड सब्सटेंस होता है कार्टिलेज का, उसको कॉन्ड्रोम्यूकोप्रोटीन कहते हैं, जो कि कॉन्ड्रियोटिन सल्फेट से बना होता है, केराटिन सल्फेट से भी बना होता है, हाइलुरोनिक एसिड से भी बना होता है। तो सही आंसर तो यहाँ पर जो था सी ऑप्शन था, कॉन्ड्रियोटिन। These were the 16 important questions of animal tissues. If you want to solve more important questions, then let me know in the comment section below. So I will make more and more videos. And don't forget to subscribe the channel, like the video, share the videos with all your near and dear ones. And thank you so much.